सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जूं हौं ॐ सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जूं हौं ॐ सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जूं हौं ॐ सभ्यताएं हैं और जो मैथिलवाड़ी है उसकी पहचान और उसकी महत्ता आज पूरी दुनिया महसूस करती है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की शिक्षा पद्धति इस तरह से बनी हुई थी जो केवल अपने तक सीमित नहीं थी बल्कि संपूर्ण समाज और सृष्टि के साथ संबंध स्थापित करने वाला था। हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है हमारी वो एक वैदिक विरासत है। वेद एक ऐसी पुस्तक है जिसमें संपूर्ण विश्व के कल्याण, संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने की क्षमता रही है। योग उसमें से एक बहुत बड़ा साधन रहा है, बहुत बड़ा टूल रहा है। इसे ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। ऋषि मुनि कहने का मतलब यह है कि उन लोगों की जो पद्धति थी, उन लोगों का जो अपना प्रयास था और शिक्षा ग्रहण करने और शिक्षा देने की जो पद्धति थी वो संपूर्णता की तरफ बढ़ती थी और जो वैदिक परंपरा से शिक्षित होकर निकलते थे वो अपने आप को संपूर्णता के साथ, सामंजस्य के साथ पूरी दुनिया में स्थापित करते थे। योग का मतलब ही होता है जुड़ना, ज्वाइन होना। इसके साथ हमारा शरीर, हमारा मन और ये ब्रह्मांड, ये तीन इसके सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तीन ही हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड इसमें समाहित है। और कोई भी आसन करेंगे और आसन करने से पहले हमें वार्मिंग अप करना है। वार्मिंग क्या है? एक वार्म अप एक ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज है जिससे कि हम अपने मसल्स, जिससे कि हम मसल क्रैम्प्स और इंजरी से अपने बॉडी को प्रिवेंट करते हैं। टो से स्टार्ट करेंगे, टो से हिप तक। ओके, टो फॉरवर्ड बेंड, एंकल अप एंड डाउन, इसका नाम है। 5 टाइम्स फॉरवर्ड, 5 टाइम्स बैकवर्ड, अप एंड डाउन। Ankle bend. 5 times forward and 5 times backward. Ankle rotation. Rotation. Right leg. Ankle rotation. Right leg. 5 times clockwise and 5 times anti-clockwise. Left thigh stretch. Right leg forward. Thigh over. Right leg. Right leg. Right leg. Right leg. बात नहीं करेंगे। सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, कोई ज्यादा कोई कम कर सकता है, लेकिन करना सभी को है। करेंगे कि आपकी थाई जो है एंड साइड बार बेंडिंग इनको बोलते हैं। 2 to 3 times. हाँ, सामने हो आपकी स्टेज की तरफ सबका हाथ हो और साइड में बेंड होना है। करो, पैर को थोड़ा स्प्रेड करो, थोड़ा पैर को स्प्रेड करके ज्वाइंट नहीं रखो तभी होगा। साइड स्टेप, राइट साइड, लेफ्ट साइड, वन टाइम मोर, राइट साइड, लेफ्ट साइड, शोल्डर रोटेशन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, 5 टाइम फॉरवर्ड एंड 5 टाइम बैकवर्ड।
शोल्डर रोटेशन अल्टरनेट फाइव टाइम फॉरवर्ड एंड फाइव टाइम बैकवर्ड आर्म स्ट्रेच साइड राइट लेफ्ट साइड राइट साइड आर्म स्ट्रेच फुली राइट एंड लेफ्ट फुल स्ट्रेच टू राइट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड अपने शोल्डर को टच करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड नेक साइड टू साइड लेफ्ट साइड ऑन स्पॉट जंपिंग में खड़े रहेंगे पैरों का जो कोण होता है हाथों को साइड में लाएंगे शोल्डर के बाद हाथ धीरे धीरे ऊपर उठेंगे साथ में आपस में फिंगर को बचाएंगे और अपने बॉडी को स्ट्रेट करते हुए दो ऊपर लाएंगे और आपकी जो कैपेसिटी है वहां तक होल्ड करेंगे बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे अपने कैपेसिटी के अनुसार स्ट्रेच करेंगे और वहीं पर होल्ड करेंगे थोड़ी देर रुकेंगे सभी लोग भाई हमारी मैम की पर्यावरण दिवस मनाते हुए योग दिवस के लिए पर्यावरण का